राजपुर केसरिया में किया गया सैनिटाइजर का छिड़काव। कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इन हालात में सरकार ने गरीब मजदूरों के खाने की भी मुहिम चला रखी है। वहीं कुछ समाज सेविक भी बखूबी अपना फर्ज निभा रहे हैं। बताते चलें कि विकास खंड डिलारी के गांव राजपुर केसरिया में आज समाज सेविक अर्षद के द्वारा टैंकर से गांव की सभी सड़कें व गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया है। इससे पहले भी इन्होंने लगभग 200 गरीब मजदूरों को आटा चावल तेल मसाले का भी इनके द्वारा प्रबंध किया गया था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को भी इन्होंने स्वच्छता मिशन के तहत कई मजदूर लेकर कई दिन तक गाँव में सफाई कार्य कराकर गाँव को स्वच्छता का भी संदेश दिया था। आए दिन गाँव में अर्षद से कुछ न कुछ ग्रामीणों के लिए कार्य करते रहते हैं। इनके कार्यों से ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। यह बहुत बड़ा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन उस्मानी। जी, कहाँ के नागरिक हो? और मैं यही राजपुर केसरिया का स्थानीय निवासी हूँ। ये समाज से भी गए अर्षद हुसैन, इन्होंने जो है पूरे गाँव को सैनिटाइजर कर रखा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये मेरे दोस्त भी रहे हैं और मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं जी। ये इनका बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य है जो इन्होंने गांव के लिए किया है जी। और इससे पहले भी जितना भी इनसे बन पड़ता है, ये पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि गांव में जितने भी विकास से संबंधित कार्य हैं या गांव को आगे ले जाने के लिए जो कार्य हैं वो होते रहें जी जी। और इनके इस कार्य के लिए मैं इनके लिए बहुत ही आभारी हूँ कि इन्होंने ये कार्य गाँव के लिए किया और गाँव को सैनिटाइज किया। ये इनका एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य। जी, क्या नाम आपका? अरशद शेख। जी, आप जो सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं, ये विचार आपके मन में कैसा आया? ये विचार अब तो ये इसीलिए आया कि भाई COVID-19 का वो चल रहा है, लेकिन मेरे मन में ये रहता है मगर कि मेरा जो पूरा जीवन है जी, वो गांव को समर्पित हो जाए जी। और जो मेरे वालिद थे कॉमरेड अहमद हुसैन कुरैशी, उनका जीवन भी पूरा गाँव को समर्पित था। तो बस यही सोच एक मन में है और बाकी मेरा कोई लालच स्वार्थ नहीं है। और आज ये भगवान की प्रकृति की, अल्लाह की, जो COVID-19 जो रोग है तो इसकी क्षमता बढ़ती चली जा रही है। तो एक छोटी सी सोच मन में रख के, और हो सकता है कि शायद कुछ मच्छर या मलेरिया के या कोई कीटाणु सैनिटाइजर कराने का गांव को मैंने सोचा। जय, सुनने में आया इससे पहले स्वच्छता मिशन को लेकर का आपने साफ सफाई का कार्य किया था, वो किस तरह से था? हाँ, वो मैंने 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेरी एक संस्था है सारांश वेलफेयर सोसाइटी, जो मैंने पूरी स्वच्छता अभियान को समर्पित कर रखी है। तो चूंकि हमारे गांव में सफाई कर्मी इस बात पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, और उसकी अभी मैंने आगे अधिकारियों से शिकायत इसलिए नहीं करी कि बाद में कहते हैं कि गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं, क्योंकि मैं एक समाज का जिम्मेदार नागरिक हूँ। तो अभी सफाई कर्मी की मैंने जिम्मेदारी कोई शिकायत आगे नहीं की है। अगर उसकी हरकतें बढ़ी तो मैं अधिकारी DM साहब से डायरेक्ट मिलकर और उसकी शिकायत करके उसको टर्मिनेट कराने की कोशिश करूँगा। चूँकि वो गाँव में पूर्ण रूप से सफाई नहीं करता, और मेरी संस्था ने 10 दिन का मिशन रखा था और मैंने उसमें सफाई कराई। इसके अलावा आपने कोरोना वायरस को लेकर के, जैसे यहाँ लॉकडाउन है, कुछ गरीब व्यक्ति हैं यहाँ पे मजदूर, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी आपके द्वारा? मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं किसी की व्यवस्था कर सकूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नवाजा, तो जो मेरे भाई हैं जिनका मैंने देखा कि भाई हफ्ते भर से वो खाली हैं, तो अगर 2 वक्त की रोटी मेरे हाथों से उनको चली जाए अल्लाह के थ्रू, अल्लाह के दीवे में से मेरे हाथों से चली जाए, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी नसीब की बात। कोरोना वायरस को लेकर के जो लॉकडाउन है, इस संबंध में क्या अपील करना चाहोगे ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से? ग्रामवासियों से अपील ये है कि पहले भी मैं एक दो बार अनाउंसमेंट, सबसे पहले जब कोरोना वायरस का शुरू हुआ था 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, तो मैंने ही सबसे पहले अपनी मस्जिद और मंदिर के माध्यम से गाँव वालों से अपील की थी कि भैया ये प्रकृति की देन है और खाली रहने का शौक किसी को नहीं है, जब खाली है तो अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरा संदेश है। कृपया घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्लीज़ स्टे होम, सिक्योर होम, यही मेरा लक्ष्य है। और ये 2-4 दिन बचे हैं, अल्लाह ने ये कटवा दिए, बाकी भी कट जाएं।